कोटा के हनुमान चौराहा पर भारतीय सफाई मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसमें कि सफाई मजदूर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। इन सफाई मजदूर संघ से जुड़े लोगों की मांग है कि उन्होंने पिछले माह फरवरी में सरकार को अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर आवेदन दिया था, जिसमें कि उनके वेतन भत्ते बढ़ाने के साथ अन्य सुविधाओं की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन ने उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है। इसी से नाराज सफाई मजदूरों ने भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसको लेकर सफाई मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष महेश परचोरिया ने बताया कि उनकी 8 सूत्री मांगों को जल्द पूरा किया जाए। आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर? ये हमने 24 फरवरी में श्रीमान एसडीएम महोदय को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के एक ज्ञापन दिया था और उसमें साफ तौर से कह दिया गया था कि साहब हमने बहुत अधिक समय इसमें दे दिया है और इस बीच में हमारा कार्य हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो सफाई कर्मचारी लामबंद होने के लिए मजबूर होंगे। तो हमने जो है ना आज जो धरना जो दे रहे हैं, क्योंकि वो 30 दिन पूरे हो चुके हैं और 32 दिन पूरे हो चुके हैं, इसके बावजूद मजबूरन बस हमको ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि हम अपनी शहर की भोली भाली जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम ये अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, क्योंकि इससे वो हमारे सीएम और अध्यक्ष का ध्यान आकर्षण हमारे ऊपर हो और हमारी छोटी छोटी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम महेश पारोचिया, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन का जिला अध्यक्ष।